नमस्ते हिमाचल, मैं हूँ युक्ति पांडे। अभी मैं हिमाचल के सबसे खूबसूरत वादियों में से एक मनाली में 5-स्टार बड़ागढ़ रिजॉर्ट में खड़ी हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे हिमाचल के कुल्लू में एक बहुत बड़ा मेगा इवेंट होने वाला है नेक्स्ट मंथ। इसी सिलसिले में हम बात करने आए हैं इस इवेंट के चेयरमैन मिस्टर नकुल खुल्लर जी से। तो आइए दोस्तों बात करते हैं नकुल खुल्लर जी से। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू युक्ति जी। हम और हमारी ऑडियंस सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहेंगी, तो अपने बारे में कुछ बताएं। मैं एक किसान परिवार से बिलोंग करता हूं और हॉर्टिकल्चर हमारी फैमिली का ट्रेडिशन रहा है। वी बीन टू हॉर्टिकल्चर सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम। और बचपन से ही मुझे माँ बाप ने बोर्डिंग स्कूल भेज दिया था। दे थ्रोन मी आउट व्हेन आई वाज अ वेरी लिटिल किड। तो मेरी एजुकेशन सबसे पहले शिमला में बिशप कॉटन स्कूल, आई स्टार्टेड देयर। देन आई वेंट टू लॉरेंस स्कूल ऑफ सनार जो कुशौली में है जी। और उसके बाद कॉलेज के लिए आई हैड गॉन टू डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ जी। तो बस ऐसे ही सफ़र चलता रहा। तो आइए दोस्तों बात करते हैं नकुल खुल्लर जी से। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू युक्ति जी। हम और हमारी जनता जानना चाहेगी सबसे पहले आपके बारे में, तो अपने बारे में कुछ बताएं। हम एक किसान परिवार से हैं जी। तो बागवानी और हॉर्टिकल्चर हैज़ बीन अ फैमिली ट्रेडिशन सिंस द बिगनिंग। आई वॉज इन बिशप कॉटन स्कूल शिमला, देन आई वेंट टू लॉरेंस स्कूल ऑफ सनार, देन फॉर माई कॉलेज आई वेंट टू डीएवी कॉलेज चंडीगढ़। और उसके बाद बस सिलसिला चलता रहा। बागवानी चल रही है एंड वी गॉट इन टू टूरिज्म ऑल्सो। नाउ वी ओपनर अप न्यू रिसोर्ट कॉल्ड बड़ागढ़ रिसोर्ट एंड स्पा। इट्स अ 5-स्टार लग्जरी रिसोर्ट। तो सफ़र कभी रुकता नहीं है, कभी थमता नहीं है। तो आपका बचपन हिमाचल में ही गुजरा? हिमाचल में ही, क्योंकि दोनों बोर्डिंग स्कूल्स भी, एक बिशप कॉटन वॉज इन शिमला एंड लॉरेंस स्कूल सनार इज इन कुशौली। तो बेसिकली हिमाचल में ही रहे। सिर्फ कॉलेज के लिए मुझे जाना पड़ा था चंडीगढ़, डीएवी कॉलेज चंडीगढ़। सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत बधाई कि आपको यूएफएल का चेयरमैन चुना गया, जो एक इंटरनेशनल मेगा इवेंट है। तो सर हमें बताएं इस इवेंट के बारे में, और साथ ही साथ ये चीज़ भी बताएं कि आपको कितनी खुशी है इस बात की कि आप हिमाचल में इस तरह के इवेंट को लेकर आए हैं। इस इवेंट का नाम बैटल ऑफ वॉरियर्स जो हमने रखा है, इट हैज़ अ मीनिंग। एक्चुअली वी वॉन्ट कि जितने भी हमारे युवा वर्ग है उनको हमें नशा से, ड्रग से उनको हमें दूर रखना है जी, जी। और उनका रुझान स्पोर्ट्स की तरफ बढ़े। जहाँ तक इस इवेंट की बात है, वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड। और पूरे हमारे कुल्लू और पूरे हिमाचल के लिए ये बहुत ही बड़ा एक टर्निंग स्टोन होगा इस इवेंट में। द ग्रेट खली जी आ रहे हैं और उनकी पहचान की ज़रूरत नहीं है। वो हमारे हिमाचल से ही हैं और सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से हैं और वो 11 अप्रैल को कुल्लू दशहरा ग्राउंड में विशेष तौर पे हमारे साथ उपस्थित होंगे। एंड ही इज अ ब्रांड एम्बेसडर आल्सो ऑफ अ यूएफएल। सर जो बैटल ऑफ वॉरियर्स द मेगा इवेंट होने वाला है, तो सर इसमें किन किन लोगों की मौजूदगी खासकर रहने वाली है? ये तो आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा जी। क्योंकि मैं पूरी जनता को बताना चाहता हूँ, द ग्रेट खली जी तो हैं ही इसमें जी। उनके अलावा काफ़ी बॉलीवुड के सितारे भी आएंगे, कुछ हमारे दोस्त भी हैं, कईयों ने यस भी बोली है इस इवेंट में शिरकत करने के लिए। इनके अलावा कुछ हमारे जो कैबिनेट मिनिस्टर सेंटर्स हैं, कुछ स्टेट के कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, कुछ पॉलिटिशियंस और भी हैं, स्टेट के हेड्स हैं, तो उन सब की भी शिरकत करने की संभावना है। और हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये इवेंट अभी से ही सुपरहिट हो गया है जी। आप जानना चाहेंगे कैसे? जी जरूर। क्योंकि जो हमारी टिकट्स वगैरह आई थी जी। तो काफी टिकट्स तो अभी से ऑलमोस्ट दे बीन फिनिश्ड एंड नाउ वी आर हैविंग अ डिफिकल्टी कि जो कैपेसिटी है स्टेडियम की, हमें ये देखना है कि और लोगों को कैसे हम इनवाइट करें यहाँ पे, और उसका भी हमने पूरा इंतजाम किया है। और लोगों में बहुत ज्यादा उत्साह है, दे आर वेरी एक्साइटेड टू see this huge mega event which is happening for the first time in the valley of gods yeah.
हमारी धरती कुल्लू में। जरूर सर, जरूर, ऐसे ही बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। सर, जैसे कि आपने बताया कि खलीजी आप ही के रिजॉर्ट में, बड़ागढ़ रिजॉर्ट में ठहरने वाले हैं, तो जहाँ तक मुझे पता है कि खलीजी की हाइट 7 feet 5 inches है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हाउ इज इट पॉसिबल कि वो यहाँ पर ठहर सके, बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम ऑफ बेड, ऐसा मतलब मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया। नहीं नहीं नहीं, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है और उसका भी हमने इंतज़ाम किया है। इसका हमें पूरा अंदेशा था कि ऐसे कुछ चीज़ आने वाली है, इसका हमने पूरा इंतज़ाम किया है। द ग्रेट खलीजी के लिए जो बेड तैयार हुआ है उसमें बड़ी मुशक्कत लगी है। अबाउट 20 days we've been जस्ट ऑन दिस बेड, और ये 20 दिनों में ये चीज़ तैयार हुई है। दिस इज द बेड ग्रेट खलीजी का जो है, यहीं पे वो रुकेंगे। ग्रेट, तो देखिए ये है खलीजी का बेड, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं। दिस इज रियली नाइस, ऐसे ही मैं कह सकती हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आई कैन टच और नॉट। ओके, सो यही वो बेड है जहाँ पर खलीजी ठहरने वाले हैं, जो हमें सर ने बताया। और सर कह रहे हैं कि इस बेड को पूरा बनाने के लिए सर 20 days लगे हैं, पूरे 20 दिन लगे हैं इस बेड को बनने में। द ग्रेट खलीजी आराम से इस बेड पर ठहर सके, मतलब मुझे लग रहा है कि मुझे एक बार ट्राई करना चाहिए बैठकर। या इट्स रियली सॉफ्ट, सो मेरे लिए भी ऑनर है कि उस बेड को मैंने देखा अच्छे से कि जहाँ पर खलीजी ठहरने वाले हैं। सो दैट्स रियली वेल डन सर, ग्रेट वर्क। और इसी के साथ मेरा दूसरा सवाल आपसे ये रहेगा कि इस तरह के इवेंट की तरफ आपका रुझान, क्योंकि अभी तक जहाँ हिमाचल और पूरा कुल्लू हमारा स्टेट जानता है कि अभी तक कृषि में आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट और बचपन से वही आपने किया है, तो अचानक से इस तरह के इवेंट करने का उद्देश्य? ये तो एक बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछा, क्योंकि जैसे आपको पता हम बागवानी से जुड़े हैं और टूरिज्म से जुड़े हैं, लेकिन एक ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए और हमारी टीम के लिए, क्योंकि हमने ये सोचा है कि जो युवा वर्ग जो आजकल भटक चुका है उसको हमने राइट ट्रैक पे लाना है, ताकि दे शुड से नो टू ड्रग्स एंड दे शुड से नो टू ड्रिंकिंग एंड अदर थिंग्स विच आर नॉट गुड फॉर देम, नॉट गुड फॉर हेल्थ। और सेहत सबसे ज़रूरी है, इसलिए हमने सोचा कि खलीजी आएंगे, द ग्रेट खलीजी, तो वो वैसे भी यूथ आइकॉन हैं और वो पूरे ही हमारे युवाओं को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करेंगे टू गेट इन टू स्पोर्ट्स एंड गेट इन टू गुड थिंग्स and they should say no to drugs. Okay. So I feel that this is a very good thought that we've come up with. अभी तक जैसा लग रहा है कि इस इवेंट को करवाने का उद्देश्य युवाओं के लिए है, जो आजकल के युवा है ज़्यादातर नशे की चपेट में है, तो आपको लगता है कि इस तरह तरीके के इवेंट को करवा के मतलब हम इस चीज़ को दूर कर पाएंगे या फिर सक्सेस हो पाएगा, ये जो सोच आप लोगों ने डिसाइड किया है? हम कुछ भी करते हैं तो 100% कमिटमेंट से करते हैं, और हम यही उद्देश्य पूरे जन जन तक पहुँचाएंगे, और वो खलीजी हमारा इसमें साथ दे रहे हैं पूरा। ही इज़ द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ UFL ऑल्सो, जैसे मैंने पहले बताया आपको, तो वो विशेष रूप से होंगे एंड ही इज़ अ यूथ आइकॉन ऑल्सो, तो वो जब बताएंगे कि स्पोर्ट्स में आप रुचि रखिए, इन चीज़ों से दूर जाइए, और ये एक इवेंट नहीं है, इसके बाद हम और भी इस कड़ी में और इवेंट्स को भी, हम ऐसे इवेंट्स और भी हमारे हिमाचल में, जो हमारी देवभूमि भी है कुल्लू की और पूरे हिमाचल में, हम और इवेंट्स भी ऐसे करवाएंगे, सो दैट दिस मैसेज इज़ क्लियर कट, no to drugs means no to drugs and they should get involved in a lot of sports activities. तो ये हमारे हिमाचल के लिए बहुत ही great opportunity है कि इस तरीके के events और भी होते रहेंगे। सर, जैसे कि आपका ये 5-star बड़ागढ़ resort and spa बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, जब से हम यहाँ आए हैं तब से मैं continue देख रही हूँ, इतना खूबसूरत है कि मेरी नज़र नहीं हट रही, तो ये बहुत ही inspiring है कि जो भी आएगा, बाहर से सैलानी भी आएंगे तो मनमोहक हो जाएंगे सारे दृश्य देखकर। तो हम जानना चाहेंगे कि इतनी खूबसूरत चीज़ को क्रिएट करने का क्या रीज़न रहा, मतलब कब ये चीज़ें आई थी माइंड पे? और जहाँ तक मैंने सुना है कि बहुत ज़्यादा तमाम बॉलीवुड हस्तियाँ यहाँ पर शिरकत कर चुकी हैं और रह चुकी हैं,
तो थोड़ा सा बताइए इस बारे में। बड़ागढ़ रिसोर्ट एंड स्पा एक्चुअली टूरिज्म में जब से हम आए हैं, जैसे आपको पता ही होगा कि बॉलीवुड की काफ़ी जो स्टार्स हैं दे आर वेरी क्लोज टू मी, दे आर माई फ्रेंड्स, तो उनका भी काफ़ी रोल है इस बड़ागढ़ रिसोर्ट एंड स्पा के बनवाने में। कि उन्होंने ये बोला था, क्योंकि पहले मेरे पास फार्म हाउस पे आते थे, घर पे आते थे और बोलते थे कि भी आपका यहाँ एक हिमाचल में एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जहाँ एक सुकून मिले, और हमारे पास एक ईश्वर की देन है कि यहाँ से अबाउट 14 स्नो पीक्स दिखती हैं एंड दिस इज़ द सेंट्रल पॉइंट ऑफ होल कुल्लू मनाली। तो हमने कोशिश करके वी मेड दिस बेस्ट फाइव स्टार लग्जरी रिसोर्ट कॉल्ड बड़ागढ़ रिसोर्ट एंड स्पा। और आपको ये जानकर खुशी होगी, जो हमारे इस शो के मेन पर्सन हैं, जिस वजह से ये शो हो रहा है, जिनकी वजह से, जिनके नाम की वजह से यहाँ पे हज़ारों युवा और हज़ारों लोग कुल्लू दशहरा ग्राउंड में आएंगे, द ग्रेट खली जी, उनके लिए भी हमने स्पेशल एक कमरा बनाया है और उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, एंड वी आर वेरी एक्साइटेड टू होस्ट हिम ऑल्सो। बहुत अच्छा लगेगा जब ग्रेट खली जी, वो 10 तारीख को आ रहे हैं यहाँ, 11 को जैसे शो है, तो ही विल बी हियर, उनके लिए एक स्पेशल इंतज़ाम किए गए हैं बड़ागढ़ रिसोर्ट एंड स्पा में। ओके, तो आपका ये कहना है कि द ग्रेट खली जी हमारे यही हिमाचल में मनाली की हसीन वादियों में आप ही के रिजॉर्ट में ठहरने वाले हैं, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो उनकी तैयारियों के लिए, उनके आने के उपलक्ष में बहुत सारी तैयारियां ऑलरेडी हो चुकी होगी, तो कितने समय के लिए खली जी यहाँ पर ठहरने वाले हैं? खली जी वुड बी हेयर ऑन द 10th ऑफ अप्रैल और 11th ऑफ अप्रैल, 12 सुबह की उनकी रवानगी वापस होगी। तो हमें मौका मिलेगा कि 2 दिन खली जी यहाँ पर रहेंगे और युवाओं को प्रोत्साहित करेंगे जी। तो ये बहुत ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, डेफिनेटली सभी युवाओं को इनमें इंटरेस्ट दिखाना चाहिए। तो सर, हम ये जानना चाहेंगे कि इस मेगा इवेंट में कितने खिलाड़ियों की मौजूदगी रहने वाली है, कितने खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस इवेंट में? इसमें 14 इंटरनेशनल रेस्लर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें 10 मेल्स हैं एंड 4 फीमेल्स हैं, एंड दे ऑल आर वेरी फेमस फाइटर्स। और मैं समझता हूँ कि ऐसा इवेंट हमारी कुल्लू देवभूमि ने कभी पहले होस्ट नहीं किया है, जो हम करने जा रहे हैं, और बहुत ज़्यादा इसके प्रति, लोगों के प्रति इसमें उत्सुकता बनी हुई है, क्योंकि द ग्रेट खली जी इज़ कमिंग। तो थोड़ा सा और भी बता दीजिए कि हिमाचल के खिलाड़ी भी रहने वाले हैं इस इवेंट में, पार्टिसिपेट करेंगे? नहीं, इसमें सारे मोस्टली इंटरनेशनल रेस्टर्स ही हैं। बट जो युवाओं को वो जाएगा, जो संदेश जाएगा उससे हमें लगता है कि जो हमारा मिशन है नो टू ड्रग्स, वो काफ़ी सक्सेस होने वाला है इस इवेंट की वजह से। और साथ ही साथ हमारे जो हिमाचल के युवा हैं इंस्पायर होंगे और स्पोर्ट्स में ज़्यादा रुझान करेंगे। सभी बातों से ये पता चल रहा है कि बहुत ही बड़ा ज़बरदस्त ये मेगा इवेंट होने वाला है, साथ ही खिलाड़ियों को मौका मिलेगा इतने बड़े इवेंट में पार्टिसिपेट करने का, और बहुत कड़ा मुकाबला रहेगा, और हमारे हिमाचल के भी जो आने वाले युवा वर्ग हैं, आने वाले खिलाड़ी हैं, उनके लिए भी बहुत ही सुनहरा अवसर है कि वो बहुत सी चीज़ें सीख पाएंगे, और ग्रेट खली जी आ रहे हैं और साथ ही वो हमारे युवा वर्ग को इतना इंस्पायर करेंगे, तो बहुत ही बड़ी बात है। इसी के साथ सर, इस मेगा इवेंट के थ्रू हम चाहते हैं कि आप एक अच्छा सा संदेश हमारे देशवासियों को दें, तो आपका संदेश? संदेश तो जैसे हमने बताया है, जो हमने मुहिम चलाई है नो टू ड्रग्स के लिए जी। हम फिट तो इंडिया हिट जी, बिल्कुल यही हमारा स्लोगन है, हम फिट तो इंडिया हिट। और इसके लिए हमने अभी से ही शुरू कर दिया, जो हमारी टीम है वो जन जन तक जा रही है, गाँव में जा रही है, और जो युवा जो नशा के चपेट में आए हुए हैं अभी, तो उनको भी हम इन्वॉल्व कर रहे हैं। वी आर मेकिंग अ चेन फॉर दिस, एंड आज 10 तारीख है, आज होली का भी अवसर है, तो आई विश एवरीवन अ वेरी हैप्पी होली ऑल्सो। और अगले महीने खली जी यहीं होंगे, इसी जगह पे होंगे, इसी दिन में उनकी मौजूदगी रहेगी अगले महीने इन बड़ागढ़ रिसोर्ट एंड स्पा 5-स्टार लग्जरी रिसोर्ट। और ये हमने चेन बना के हम संदेश दे रहे हैं कि नो टू ड्रग्स के लिए। और युवा काफ़ी अभी से जो हमें रुझान मिले हैं, तो काफ़ी दे आर इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग आर टीम एंड दे आर विद अस,
एंड दे आर गोइंग टू मेक दिस इवेंट अ मेगा इवेंट. और ये जो उनकी जो खराब आदतें हैं या जो खराब उनकी अपना कोई बचपन से खराब नहीं होता, वो बाय मिस्टेक उनसे जो गलतियां हुई हैं ड्रग्स लेने की और चीज़ें के लिए, वो भी ये बोल रहे हैं कि वो छोड़ के स्पोर्ट्स की तरफ आ रहे हैं अब. तो मेरा ये पूरी जनता से संदेश है, हम फिट तो इंडिया हिट. प्लीज से नो टू ड्रग्स. जय हिमाचल, जय भारत. बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बात इन्होंने कही है कि हम फिट तो इंडिया हिट. जी दोस्तों, ये थे मिस्टर नकुल खुल्लर जी, जिन्होंने हमें ये जानकारी मुहैया करवाई कि इस इवेंट में आखिर होने क्या वाला है. तो बहुत ही ज़बरदस्त तैयारियों के साथ ये इवेंट की शुरुआत हो चुकी है. आज से पूरा एक महीना बाकी है इस इवेंट को होने में. तो सबसे ये हम गुजारिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करें, अपना योगदान दें, ताकि ये इवेंट है सफल रहे और हमारे हिमाचल के जो युवावासी हैं, हम जैसे लोग हैं, सभी को एक मौका मिले, सभी के सपने जो अब हमारे युवावासी जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता कई कारणों से, कई खिलाड़ी ऐसे हैं, उनको प्लेटफॉर्म ज़रूर मिलेगा. यही एक बहुत बड़ी सोच है जो द ग्रेट खली जी की है. तो उसी सोच का हमें साथ देना है. तो इसी के साथ सभी को शुभकामनाएं कि ज़रूर इस इवेंट का हिस्सा बने. थैंक यू सो मच.